दोस्तों अभी हम आ गए हैं कामाख्या मंदिर से नीचे, और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। और ज्योतिर्लिंग के लिए सर हम सबसे पहले वहाँ से कामाख्या मंदिर से नीचे उतर कर आए हैं। यहाँ एक चौक है, इस चौक से फिर हम सीधा अभी बस पकड़ेंगे वहाँ के लिए, क्या नाम है, झालावाड़ी कोई जगह है, झालावाड़ी वहां उतरेंगे। फिर वहां से देखेंगे कौन सा हमें साधन मिलता है जाने के लिए, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों अभी अरे हम अभी जो क्या है सुना झालावाड़ी उतर गए, और रही अब यहाँ से दूसरे कैब में बैठे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं गोड़ चौक, गोड़ चौक के आगे फिर हमें दूसरी टैक्सी या कुछ वो कैब चेंज करनी पड़ेगी। फिर हम वहां से कोई बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, वो हमें सीधा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए ले जाएगा। तो अब चल रहे हैं हम सीधा गोड़ चौक। इस छोटे से मैजिक टेम्पो का आनंद लेते हुए हम पब्लिक के साथ बैठकर निकल पड़े भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर। वैसे भी यात्रा करने का एक अलग ही आनंद है, अपनी कार में तो हर कोई जाता है, लेकिन ऐसे यात्रा करने का तो आनंद ही कुछ और है। दोस्तों अब बैटरी रिक्शा हमने कर लिया है, बैटरी रिक्शा में हम जा रहे हैं। यहाँ से 20 रुपए सवारी है, कोई बात नहीं, चलो 10 रुपए बताया था, पर 20 रुपए सवारी है, कोई बात नहीं। और वेज ढाबा है, प्योर वेज, अंडा भी ना बनाता हूँ जो। इन रिक्शे वाले भैया ने 20 रुपए सवारी के हिसाब से हमें बिठाकर 15 से 20 मिनट में मंदिर छोड़ दिया, और हम यहाँ पेड़ पौधों और प्रकृति का इतना अच्छा आनंद लेते जा रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो दोस्तों हम यहाँ से चढ़ाई चढ़कर आ गए हैं नीचे से, वहाँ से चढ़ाई चढ़कर हम आए हैं, और यहाँ से आगे थोड़ी सी आगे जाएंगे, सामने गणेश मंदिर है, फिर उसके आगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए हमें थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अब चलते हैं आगे, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है गणेश मंदिर। तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। गणेश जी के दर्शन करके आत्मा इतनी ज़्यादा तृप्त हो गई कि हमें यह रास्ता, जो कि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, हमें यह बहुत ही आसान लगने लगा। प्रकृति का आनंद लेते हुए हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर चलते रहे। मन में सिर्फ एक ही नाम था, हर हर महादेव। और इतने अद्भुत मंदिर बीच में पड़े, बहुत ही आत्मतृप्त हो गए। दोस्तों भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए जो रास्ता जाता है वो इतना मनमोहक, इतना सुंदर है कि बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मतलब नेचर देखने के लिए मिल रही है इतनी, और बहुत बढ़िया है, मतलब कि बहुत अच्छा दृश्य है, बहुत खूबसूरत है। आपको कभी मौका मिले तो आप इन वादियों में ज़रूर आइएगा, बहुत सुंदरता के साथ ये नज़ारा है। देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हरी भरी वादियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। हम दिल्ली वालों को तो खास करके नहीं मिलती है, जब भी बाहर आते हैं तो हम नेचर में खो जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जब भी हम आते हैं।
चलते हैं अब ज्योतिर्लिंग के लिए। दोस्तों ये द्वार है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए, ये महादेव जी का मंदिर आ गया है पास में। यहाँ पे शूज वगैरह खोल के अब हम नीचे जाएंगे। ये देखिए ये नंदी जी महाराज हैं, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है यहाँ पे। वाह, तो दोस्तों अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर। यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है, और ये चारों तरफ वादियाँ। मंदिर के लिए शुरू में हम पहाड़ी चढ़कर आते हैं, फिर महादेव जी के दर्शन करने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ पे करीबन 100 से ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिनसे हमें उतरना पड़ता है नीचे की। दोस्तों वहाँ पे लाइन लगी हुई है और ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ है नहीं, बहुत कम ही लोग हैं। और वहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग है, और यहाँ से रास्ता है जाने का, और ये झरना होता है। ये झरना बारिश के टाइम में यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, अभी हाल फिलहाल में थोड़ा कम पानी है। यहाँ पे रास्ता मैं दिखाऊँ आपको कैसा है जाने का। देखो क्या बहुत सुंदर फोटो आया, उनको जलन हो रहा है इतना मजा आया। हमें भाई दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लाइन में लगने। यहाँ ये आप देख सकते हैं शिवलिंग, कितने सारे शिवलिंग हैं। पूजा वगैरह में लगे हुए बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बिल्कुल मनमोहक दृश्य। ये वादियों से घिरा हुआ महादेव जी का मंदिर, और महादेव जी के जितने भी स्थान है ज्यादातर मैंने जो अभी तक मैंने जो देखे हैं वो सारे पहाड़ों के बीच में ही हैं, कोई ऐसा नहीं है। और वो पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच जा कर के है। अब जैसे महादेव जी यहाँ पर हैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, और जल का अभिषेक वहाँ पे अपने आप कुदरती तौर पे हो रहा है, और बारिश के समय पे यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, तब फ्लो बहुत बढ़िया होता है, देखने लायक होता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे देखने में। और अभी तो क्या जैसा है वैसा अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और ये वहाँ से हम लोग चढ़ के आए हैं, वहाँ से नीचे उतर के ये सीधा इधर और एक उधर, दो तरफ से रास्ते। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने भीमासुर नामक राक्षस का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ अवतार लिया। गाइस अगर आप यहाँ पर फूल माला बेलपत्र वगैरह लाना भूल जाएं तो यहाँ पर पंडित जी खुद ही पूजा करा देते हैं। यहाँ पर पंडित जी के पास सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, ये आप देखिए। और वहाँ पर जल की सुविधा भी है, पंडित जी खुद ही जो एक पंडित जी के साथ में हैं सहायता कराने वाले, वो लोटे में जल दे करके सबको ताकि अभिषेक सब कर सकें। और आप देख सकते हैं वहाँ पे पंडित जी सबकी पूजा करवा रहे हैं। और क्या हो?
जय महाकाल। अब हमने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और हमने कोशिश करी आपको भी दर्शन कराने की, और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत बड़े दर्शन हुए हैं। और ये जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है, ये बहुत ही विहंगम दृश्यों के साथ और प्रकृति ने बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है इसको। और यहाँ पर आप अगर आए तो कामाख्या मंदिर से सीधा यहाँ तक के लिए आप या तो टैक्सी कर लीजिए, या तो आप शेयरिंग टैक्सी जो है शेयरिंग टैक्सी से आ सकते हैं, मगर उसका क्या है कि आपको अलग अलग रूट पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ हमारा सफर होता है समाप्त, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।